बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद, मैं हूँ हैदर हयात खान। बजट की मंजूरी में अब चंद रोज़ बाकी हैं। मुस्लिम लीग नवाज, जिसको सख्त ज़रूरत है वफाक में कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वहाँ हनीफ अब्बासी साहब ने टारगेट पर रख लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। एक इंटरव्यू में काफ़ी सख्त बातें की उन्होंने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। जितने बड़े मामलात हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। बजट का मामला है, पंजाब में डेफेमेशन बिल का मामला है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सारे मामलात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ थी। फिर बज़ाहिर लगा कि जो बर्डन सख्त फैसलों का मुस्लिम लीग नवाज पर जा रहा है और कोई कोलिशन पार्टनर जो है उसके ऊपर उस तरह बर्डन नहीं जा रहा, तो उस पर भी हनीफ अब्बासी साहब ने कहा जी कि ये साथ है हमारे, सदर इनका है, दो गवर्नर इनके हैं, बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है, चेयरमैन सेनेट इनका है, डेप्टी स्पीकर कौमी असेंबली का इनका है, तो ये ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते चीजों से। इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे कि पीपल्स पार्टी कहां पर स्टैंड करती है। फिर जो हनीफ अब्बासी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात की कि ये जो कोलिशन है वफाक की, इसकी पीपल्स पार्टी को जरूरत है, मुस्लिम लीग नवाज को जरूरत नहीं है, तो वो कौन सी ऐसी मजबूरी है पीपल्स पार्टी की जिसका जिक्र हनीफ अब्बासी साहब कर रहे हैं। प्रोग्राम में इन तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा साहब। हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज है, खैरियत से ठीक ठाक हैं आप? हसन भाई, आपका भी एक बारह लिख रिएक्शन आ गया, लेकिन प्रोग्राम के लिए पूछूंगा एक मरतबा फिर, ये जो हनीफ अब्बासी साहब ने बातें की, उन्होंने कहा कि ये कोई मासी बेड़ा नहीं है, आपने सदारत भी ले ली, चेयरमैन सेनेट भी बनवा लिया, डिप्टी स्पीकर भी बनवा लिया, दो गवर्नर भी, बलोचिस्तान में हुकूमत भी, और फिर आप इस तरीके से बातें करें, पीपल्स पार्टी जिस तरीके से कर रही है, वो कोई कंसर्न है आपके रवैये को लेकर शायद? बहुत शुक्रिया जी। देखिए हनीफ अब्बासी साहब जो है वो कोई ऐसे किसी जिम्मेदार होते पे नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनका ये बयान जो है ये इंतशार तो फैला सकता है, इस बयान से ना कोई उनकी पार्टी को फायदा है ना कोई उनकी हुकूमत को फायदा है, ये बिल्कुल इंतशार फैलाने वाली बात है जो वो कर रहे हैं। दो मुख्तलिफ चीजों को वो आपस में मिला रहे हैं कि सदर अगर हमारे हैं तो अलग अलग इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाता है। ये नहीं है कि आप ये कहें कि सदर इनका है तो हम एतमाद में क्यों लें, ये कोई सियासतदानों वाली ना उन्होंने जबान इस्तेमाल की है ना उन्होंने कोई उनका रवैया सियासतदानों वाला है। ये बिल्कुल ही एक इस तरह का बयान है जिसकी कोई नहीं, ये उनकी बयान जमात भी मेरे ख्याल है इस बयान को ओन नहीं करेगी। हाँ, कोई जिम्मेदार उनका, कोई उनका स्पोक्स पर्सन, कोई उनका पार्टी लीडर, वो अगर बात कर दे तो हम उसको कर लेंगे, इसको तो हम सीरियस ही नहीं लेते। हसन भाई, वो रुकन है कौमी असेंबली के, आप उनको सीरियस नहीं लेंगे? सर हम नहीं लेंगे, उसपे कमिश्नर पिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं तो नहीं उस चीज को करता, लेकिन मेरा ख्याल है वो पिंडी के कमिश्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसको अगर दोबारा सुन ले तो उनको पता चल जाएगा कि वो कितने जिम्मेदार हैं। ठीक हो गया असन भी, आप बजट के हवाले से बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जब आप लोगों की हुकूमत बनी तो जो आपस में अग्रीमेंट हुआ उसमें ये चीज़ें डिसाइडेड थी कि प्री बजट मीटिंग्स के अंदर भी पीपल्स पार्टी से उनके मामलात जो हैं वो पूछे जाएंगे और उनको बजट पे शामिल भी किया जाएगा। अभी जो मेरी कुछ पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के दोस्तों से बात थी, उन्होंने कहा जी कि इसहाक डार साहब ने अपनी गलती तस्लीम की, राणा सनाउल्ला साहब ने भी की, कि हम प्री बजट डिस्कशन में आपके साथ चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकें और आगे आपके तहफ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि बजट तो बना ही पीपल्स पार्टी की मर्जी से है, आप लोग फाइनेंस कमेटी में हमारे साथ शामिल थे और अब अगर आप ये बातें कर रहे हैं तो आप तो आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, उसको ये पता ही नहीं है कि बजट कौन बनाता है, कहाँ पे बनता है, कहाँ पे मशावरत होती है, उसको इस चीज का इल्म ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये चीज पीएमएलएन का कोई जिम्मेदार आदमी ये बात कर दे तो पीपल्स पार्टी मान जाएगी, लेकिन
इसहाक डार साहब एक माकूल आदमी है, एक सियासतदान है, एक पार्टी के जिम्मेदार है, आप उनसे सवाल कर लें कि क्या मुशावरत हुई है। शहबाज शरीफ साहब है, उनसे पूछ लें। पीपल्स पार्टी को तहफात थे, हमने कोई गैर पार्लियामानी जबान इस्तेमाल नहीं की, हमने कोई गलत बात नहीं की, हमने अपने तहफात का इजहार किया है। हम हर चीज में हम अपना हम कहते हैं कि अगर नुकसान भी हो तो हम इत्तेहादी हैं, हमको नुकसान बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम उस मशावरती अमल में तो शामिल हो। हमें ये तो हो कि हमने ये मशवरा दिया था, हमने इस चीज से रोका था, हमने ये कहा था कि आप किस तबके को रिलीफ दें। हम मान जाए कि पीपल्स पार्टी काश्तकारों के कत्ल में शामिल है, हम कहते रहे कि काश्तकारों से गंदम ना खरीदना, ये काश्तकार का कत्ल है। अब हनीफ अब्बासी क्या जाने काश्तकारी को, हनीफ अब्बासी को क्या पता कि काश्तकार क्या होता है, काश्तकार की किसको कहते हैं काश्तकार। आप गंदम नहीं खरीदते, वो बेचारा मरा पड़ा है सड़क पर पड़ा हुआ है, हनीफ अब्बासी कहते हैं उसके कत्ल की जिम्मेदारी ले लो। ये नहीं हो सकता, जब तक पीपल्स पार्टी उनके मशावरती अमल में शामिल नहीं होगी उस वक्त तक पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेगी। अच्छा, आपने हसन भी मेरे एक प्रोग्राम में अपनी एक किसानों के मामले पर ही कहा था कि इसके ऊपर अगर पंजाब हुकूमत सीरियसली एक्शन नहीं लेगी तो बजट में हम फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अभी खैर किसानों के मामले पे तो बाहर नजर नहीं आ रहा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, लेकिन बहरहाल प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो रही है मुस्लिम लीग नवाज के लिए। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अब मतलब एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ जाएगी कि मुतालबा तस्लीम होंगे तो ठीक है फिर बजट के लिए वोटिंग है, अदरवाइज हम वोट नहीं कर रहे आपके लिए। हम ऐसी चीजों में जो फैसला हमारे मैनिफेस्टो के खिलाफ हुआ है वो हम कैसे मान जाएं? ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल अजीब सी बात है ना, कि हम कह रहे हैं कि यार तनख्वाहदार तबका, और सिर्फ तनख्वाहदार तबका सरकारी मुलाजिम नहीं है, तनख्वाहदार तबका आपका प्राइवेट सेक्टर भी है। आपकी जब इंक्रीज होती है तो आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं लोगों की तनख्वाहें बढ़ाते, क्यों प्राइवेट सेक्टर जो है लोगों की जान ले लेता है लेकिन उनको उजरत पूरी नहीं देता। तो हम तो ये कहते हैं कि यार आप इन लोगों को जिनको आपने टैक्स जिन पे थोपा है, आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाते, आप टैक्स लगाते हैं और फिर ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक लगा देते हैं। आप मराठ याफ्ता तबके को क्यों नहीं कट लगाते, उनकी मराठ पे कट नहीं लगाते, उनको टैक्सेस पे उनको नहीं लगाते, आप आम आदमी पे टैक्स लगा देते हैं। अच्छा हसन भाई, आपने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो के अगेंस्ट है चीज़ें, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बड़ा मामला पंजाब में डिफेमेशन बिल का है, पीपल्स पार्टी मीडिया पर तो उसको अपोज करती रही, फिर गवर्नर साहब जब बैरून मुल्क थे यहाँ पर कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद साहब ने उस बिल पर सिग्नेचर्स कर दिए। हनीफ अब्बासी साहब ने इसको भी डिस्कस किया कि ये भी मामला तो ऑन बोर्ड थी पीपल्स पार्टी इस पर हमारे साथ, और गवर्नर साहब का बाहर जाना और ये हनीफ अब्बासी किसी ऐसी पोस्ट पर मौजूद नहीं है कि जो जिसकी बात कर ली जाए। नहीं, आप फिर आप हसन भाई इसकी क्लेरिफिकेशन ही दे दे कम से कम, क्योंकि क्योंकि वो कह रहे हैं, मेरा छोटी सी एक गुजारिश सुन ले, वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नर साहब बाहर गए और हमने यहाँ पे साइन किया है हमारे गवर्नर कायम मुकाम गवर्नर ने, तो फिर हमें गवर्नर साहब को इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी बाहर जाने की। किसको? गवर्नर साहब को, गवर्नर पंजाब को। गवर्नर पंजाब ने इजाजत हनीफ अब्बासी से लेनी है। आप उस बंदे की ज़हनी कैफियत का अंदाजा इसी बात से लगा लें कि उसने इजाजत जो है वो पंजाब गवर्नमेंट से लेनी है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अब आप उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा लें। सही, ऐसे ड्रीम का सारा चक्कर है, वो बेचारा इस पोजीशन में नहीं है कि वो सही ध्यान दे, उसकी ज़हनी हालत का जो है वो उसका चेकअप होना चाहिए। मैं ठीक ठीक हो गया हसन भी, आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो फिर हनीफ अब्बासी साहब से मुतालिक उनकी गुफ्तगु में उन्होंने कहा है जी कि ये जो हुकूमती कोलिशन है इसकी पीपल मुस्लिम लीग नवाज को कोई इतनी जरूरत नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। अब जो जितने आप सवाल कर रहे हैं
अब पीपल्स पार्टी की क्यादत जो है वो कौन से केसों में गिरी हुई है या कौन सी अदालतों से उन्हें सजाएं मिली हुई है कि पीपल्स पार्टी की मजबूरी है कि यहाँ पे राज है, हुकूमत में राज है। आप खुद इस चीज से अंदाजा कर ले कि उसकी जहनी कैफियत ठीक नहीं है। किसी जिम्मेदार का जो बयान है उस पर हम जरूर जो है वो करने को तैयार है। ठीक हो गया। आखिर में ये बताइएगा हसन भाई, ये तो एक बड़ा मामला केपीके के अंदर भी बना हुआ है। एक तो फैसल करीम कुंडी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। अब पीपल्स तहरीक इंसाफ के जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, वो इस्लामाबाद का घेराव और इस्लामाबाद के कब्जे की बातें कर रहे हैं और इल्जाम वो भी खैर वफाक पर लगा रहे हैं कि नेशनल ग्रिड से केपीके का हिस्सा काफी जो है वो काटा जा रहा है, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, इस पे तो कोई हुकूमती नुमाइंदा ही जो है वो बात कर सकता है जी। अगर वो कोई उनका मसला है वफाकी हुकूमत से तो वो वफाकी हुकूमत से बात करें। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब हमारे बारे में बात करेंगे तो हम उनको जवाब देंगे ना। ये तो हुकूमत के बारे में अगर उन्होंने कहा है या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का मामला है तो ये पीएमएलएम जाने और उनका काम जाने, ये तो उन्होंने ही रोकना है जी। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच हसन भाई, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। हनीफ अब्बासी साहब को उन्होंने भी जो है वो टारगेट पर रखा है और काफ़ी बातें की हैं। हनीफ अब्बासी साहब से मुतालिक प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।